वो फ्रांस के कुंडे हो, वो पाकिस्तान में उनकी हिमायत करने वाला इदारे हो, वो कमरान हो, वो बल्ले वाली सरकार, वो शेर वाली सरकार हो, वो तीर वाली सरकार हो, सारे के सारे डाकू जालिम है। इन सब से सख्ती से निपटना होगा। वो कैसे कि हम हुजूर के दीन को तख्तों में लाने की बात करें, हुजूर के इज्जत की बात नरमी से समझ रही आती, प्यार से मेहरबानी करें आप जवाब दें। कितने जवाब देंगे ये जालिम? कभी भी जवाब नहीं देंगे। ये उशाता ने मुस्तफा इस तरह ललकार के जवाब दे सकते हैं कि लब्बैक वाले कल भी जिंदा थे, आज भी है, कयामत तक जब तक लब्बैक वाले हैं वो जवाब देते रहेंगे। लब्बैक वालों, लब्बैक वालों, तुम खड़े हो जाओ कुव्वत के साथ, पावर के साथ, हौसले और हिम्मत के साथ। डरने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी जुमला कह के खत्म करता हूँ। डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत है? घबराने की जरूरत है? वो सरवर शाह फरमाते हैं ना, अगर हमारे किसी कारकुन को तंग किया हम उसके छोटे ला के रख देंगे, पढ़ के रख देंगे। हमारे कारकुन दीने मुस्तफा की, हुजूर की इज्जत की बात, और उलमाए दारुस्सलाम के लिए पैगाम है, खुदा का वास्ता ही कदों निकलना, तुम कदों निकलना? फ्रांस के अंदर हुजूर के खाके बन के लटका दिए गए, तुम अभी सोच रहे हो कब निकलेंगे हम? आज अब वक्त है, लेकिन फिर पछताओगे जब तीन तख्तों पे आ गया जाएगा, फिर तुम्हारी शर्मिंदगी होगी। अब वक्त है सब के लिए कि खुदा दा वास्ता आओ, तुम आगे क्या दो, हम पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा लबैक।